नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूं। और अभी हम मॉर्निंग का बोट ट्रिप के लिए तैयार है। इसमें अभी दो तीन बंदे तो जर्मन नेशनलिटी के हैं और बाकी इंडियन से है, जो साउथ इंडिया से है, चेन्नई से। तो आज थोड़ा वेदर भी पीछे आप देख रहे होंगे तो हल्का सा ख़राब है, लेकिन देखते हैं। अगर क्योंकि यहाँ ओमान में जो जिस पार्ट में मैं हूँ नॉर्थ में, यहाँ पे क्या है कि ये जो समय है ना दिसंबर और जनवरी का, यहाँ पे बरसात का समय होता है, लेकिन बरसात ये हमारी तरह नहीं होती है, इतनी लंबी नहीं होती है। 3-4 बार महीने में हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है, लेकिन यही समय है। तो देखते हैं आज के ट्रिप में। और हवा भी काफ़ी तेज़ है, तो हमें जो खाना प्रिपेयर करने में है, जो एक्चुअली कुक्ड खाना आता है हमारे, लेकिन उसको वापस गर्म किया जाता है और ग्रिल किया जाता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ आज। अभी मित्रों, हमने जो है टेलीग्राफ आइलैंड के पास में जो फर्स्ट ब्रेक लिया है स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग के लिए, तो टेलीग्राफ आइलैंड। हवा हालांकि तेज है और थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा है। इस साइड में आप देखेंगे तो काले काले बादल है, तो उस साइड में थोड़ी बरसात भी हो रही है फ्योर्ड के लास्ट में। और अभी जो हमारे कुछ क्लाइंट है, जो बच्चे हैं, अभी ये स्विमिंग के लिए गए हैं, तो सेफ्टी के लिए सबको लाइफ जैकेट पहना दिया। और क्योंकि अभी हवा भी काफ़ी चल रही है, तो उस वजह से क्या है कि खाने को वापस गर्म करने में दिक्कत होती है, तो ये ऐसा जुगाड़ कर दिया है खाना है। तो इसमें क्या कि ये टॉवेल ओढ़ा के इसमें नीचे आप देखेंगे तो ये जो बर्निंग जेल होता है वो नीचे जला के उसको गर्म किया जाता है। तो खाने में मोस्टली क्या है कि वेज डिश भी होती है, साथ में नॉन वेज डिश भी होती है, क्योंकि कुछ लोग वेज भी होते हैं और कुछ नॉन वेज भी होते हैं। तो ये मेरा ओमानी दोस्त है लकी भाई। लकी भाई से हेलो, हाउ आर यू? अभी वेदर तो क्लियर हो चुका है मित्रों, तो अभी लंच भी प्रिपेयर है और गेस्ट अभी लंच ले रहे हैं। तो ये हमारा लंच है इधर, और सभी लंच ले रहे हैं अभी, और लंच के बाद में यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अभी मित्रों सेकंड ब्रेक के बाद में वापस रवाना हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे डव क्रूज, मेरे गेस्ट सभी साथ में है। और अभी हम जो फियर्ड के अंदर है, तो यहाँ पे हम वापस डॉल्फिन को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बोट मेरे सामने भी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप सामने देखिए मित्रों, ये काफ़ी बोट्स है जो इधर जा रहे हैं। तो जनरली हमें पता लग जाता है कि भाई क्यों डॉल्फिन जब सरफेस पे आती है ना, क्योंकि डॉल्फिन एक मामल एनिमल है, तो वो क्या है कि श्वास लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए वापस दे हैव टू कम ऑन द सरफेस, सो हमें पता लग जाता है तो वापस। और इस एरिया में क्या पिछले काफ़ी दिनों से एक डॉल्फिन का ग्रुप है, जिसको अंग्रेजी में पॉड ऑफ द डॉल्फिन कहते हैं, मतलब डॉल्फिन के ग्रुप को। तो उस ग्रुप को काफ़ी दिनों से इस पर्टिकुलर जो फ्योर्ड का ये पार्ट है, यहाँ पे मूवमेंट है। तो अभी हमारे गेस्ट को दिखाएंगे, ये चारों तरफ का व्यू आप देख लीजिए। अभी आप देखेंगे ये दो बोट के बीच में जो डॉल्फिन जा रही है, ये देखिए, इवन हमारी बोट में भी पीछे की साइड में आप देखेंगे तो डॉल्फिन, ये देखिए डॉल्फिन, ये हमारी बोट के साथ साथ में जब बोट को भगाते हैं तो 3-4 डॉल्फिन ये देख लीजिए साथ में, ये देखिए बहुत ही शानदार। नॉर्मली जो इस एरिया में है और जो डॉल्फिन का बड़ा पॉड है वो दिख जाता है, डॉल्फिन जो कई किलोमीटर तक बोट का पीछा करती है। अभी सारे बोट्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और कभी लेफ्ट कभी राइट में, आप देखेंगे इस बोट के साथ साथ में डॉल्फिन जो है तैर रही है। आ देखिए हमारा
इस साइड में और डॉल्फिन है, हमारी बोट के पास में भी है। ये देखिए साथ में बेबी डॉल्फिन भी है, बहुत फास्ट तैरती हुई जबरदस्त स्पीड से। ये देखिए पानी में और ये बाहर आए, जोरदार, काफी करतब भी दिखाती है, क्योंकि जब दो बोट नजदीक होती है तो ये क्या है कि एकदम प्लेफुल मूड में आ जाती है और दे स्विम विद द बोट्स। काफी तगड़ा स्टेमिना होता है डॉल्फिन्स का। तो फाइनली मित्रों आज अच्छी साइटिंग हो गई डॉल्फिन की और अभी हम वापस हार्बर पे पहुंचने वाले हैं। ये सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होगी और इस साइड में हमारी बोट का जो जेटी है, जो पार्किंग है, वहाँ पे अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो अभी गेस्ट भी तैयार हो रहे हैं, वापस अपना जो भी है सामान वो चेक कर रहे हैं। नॉर्मली हम बोल देते कि भाई अपना सब कुछ सामान साथ लेके जाइए, चेक कर लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।